हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो टॉपिक है वो आधारित है साइंस पे। साइंस सब्जेक्ट एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इसी पे केंद्रित है हमारा आज का वीडियो। और इसका टॉपिक है भारत के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं। क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत में कितने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले वैज्ञानिक है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। दूसरे, ये भारत के पहले वैज्ञानिक है जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। अगला है सी वी आर रमन। अगले हैं एस चंद्रशेखर। अगला वैज्ञानिक है होमी जहांगीर भाभा। अगले हैं मेघनाथ शाह। मेघनाथ साहा। अगले हैं हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साइंस में, जो बायोलॉजी है उनमें, उसमें हरगोविंद खुराना। अगले हैं सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। अगले हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। अगले हैं कणाद। तो ये थे भारत के बहुत महत्वपूर्ण 10 वैज्ञानिकों के नाम। पहले हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दूसरे हैं जगदीश चंद्र बसु, ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पेड़ पौधों संबंधी अपना नियम बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उसके बाद सी वी आर रमन है, एस चंद्रशेखर है, होमी जहांगीर भाभा है, मेघनाथ साहा है, हरगोविंद खुराना है, सत्येंद्रनाथ बोस है, विक्रम साराभाई है, कणाद है, और बहुत सारे ऐसे और भी वैज्ञानिक हैं जिनका योगदान भारतीय साइंटिस्ट में, भारतीय साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही विश्व पटल पर भी इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।